हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD व्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, ये शूटिंग हो रही है 5 सितंबर यानी कि मंडे सोमवार की, क्योंकि संडे का व्लॉग कल मैंने आपको दिया था। संडे का व्लॉग आपके पास गया था जब हम लोग हत्याकांड हारण गए थे, और ये है सोमवार यानी कि मंडे की शूटिंग। तो ये सुबह सुबह 5 बजे की शूटिंग है। मैंने आपको घड़ी में टाइम भी दिखाया और मैं लाइट ऑफ करके दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा अंधेरा है ये देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी जाल से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो भाई कैमरा है, जो कुछ कैप्चर करना चाहता है ना, मैं वो सारा कुछ आपको दिखाना चाहती थी। और उसके बाद मैंने गेट का लॉक वगैरह खोला, तो घर के काम में ये तो सारे चलते रहेंगे। आजकल जो आप लोग ये ना मेरी मेहनत देख रहे हैं और बोल रहे हैं मुझसे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेहनत के लिए बस मैं छोटे छोटे शब्द हैं जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हम इंसानों का जो है स्वभाव होता है मेहनत करना, और हमें मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए, फिर चाहे जितने भी मुश्किल आए, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। और फल की चिंता मत करें, क्योंकि फल देने वाला तो ऊपर बैठा है ना कोई, तो फल तो मतलब आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर, बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करना मत छोड़िए। तो मतलब थोड़ी से पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि बीते दिनों में पड़े रहते हैं, तो बीते दिन पुरानी यादें, गलती से हुई गलती और साथ छोड़ते लोग आपके सामने आएंगे, बार बार आएंगे, लेकिन इससे निकलना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको मेहनत करते रहना चाहिए और अपने को बिजी रखो, अपने को इतना ज़्यादा बिजी रखो कि वो पुरानी यादें आपके सामने छोटी लगने लगें। तो जैसे कि किसी ने खूब कहा है, अगर बनना है तो समुंदर बनो, जो कि लोगों के पसीने छूट जाएं आपकी औकात नापते नापते। बस इसे छोटे छोटे थॉट है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत हिम्मत देते हैं। आपको कैसे लगते हैं, क्या मतलब रिएक्शन होता है आपका, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जाके। मतलब ये हमारी ज़िंदगी है ना, हमारी अपनी ज़िंदगी है, तो अपने ऊपर जियो, ना कि किसी के अभाव में और ना ही किसी के प्रभाव में। अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो फ्रेंड्स, और अपनी लड़ाई तो खुद से ही है ना, क्योंकि स्वयं को संभालने वाले हम ही हैं, कोई और हमें संभालने नहीं आएगा, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों, हर हाल में खुद को संभालना हमें ही संभालना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसा ही, ज़िंदगी के मज़े लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मज़े लेता ही रहेगा। जैसे मैं करती हूँ ना, जैसे कहीं भी जाती हूँ, जो भी मुझे करना है वो मैं कर लेती हूँ, मतलब मैं ये नहीं देखती कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कुछ नहीं, बस तो वही खुल के जियो ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं पल में क्या हो जाए। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी के मज़े लेना सीखो फ्रेंड्स, वक्त तो तुम्हारे मज़े लेता ही रहेगा। तो चलिए इसी के करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह दिखा रहे थे आपको पेड़ पौधे, थोड़े से मतलब काट पीट दिए हैं ना, थोड़े से ख़राब हो रहे थे पौधे, ये तो पता नहीं बरसात की वजह, बरसात भी नहीं हुई इस बार, अच्छी मतलब अच्छी खासी बरसात नहीं हुई, जैसी हर बार होती है वैसी नहीं हुई, जिसकी वजह पौधे ख़राब हो रहे हैं। और पिछले साल तो इसमें बहुत अच्छे फूल भी निकले थे, समी का पौधा है ये, इस बार खराब, एक साइड से खराब हो रहा था तो मैंने इसको काट दिया। तो ऐसे ही कुछ और किचन में मैंने आपको दिखाया, बंडे मैंने उबालने को रख दिए थे, बंडे होते ना घुइया जैसे, वो बंडे होते हैं। और लौकी को मैंने पैकेट में बंद करके इसलिए रखा ताकि लौकी खराब ना हो और कड़ी ना हो। तो ऐसे रखते सब्जी किस तरीके से फ्रिज में रखती हूँ मैं, वो सारा कुछ आपके शेयर कर चुकी हूँ मैं। और जैसे लौकी बड़ी थी तो फ्रिज में नहीं आ रही थी, तो मैंने काट के और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया, जिसकी वजह से ना लौकी बिल्कुल ना तो काली पड़ती है और ना ही लाल पड़ती, जहाँ से कट लगाते हैं ना, कट वाले हिस्से पे, मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो बना चुकी इस तरीके से कि फ्रिज में सब्जी कैसे रखें, कैसे स्टोर करें, कैसे ज़्यादा दिन तक चलाएं, तो सारा कुछ शेयर कर चुकी हूँ। तो लौकी को इस तरीके से बंद डब्बे में या फिर कोई एयर टाइट पॉलीथीन हो आपके पास, तो मैं ऐसी बहुत सारी पॉलीथीन रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, वो फ्रिज में बहुत सारा सामान इस पॉलीथीनों में आ जाता है, तो बहुत काम आती हैं ये पॉलीथीन, जैसे नमकीन की हो गई, चाय पत्ती की हो गई, और जैसे भुजिया वगैरह आई, या कोई ऐसी चीज़ आती है ना जिसमें जिप लगी होती है, तो उस तरीके के पॉलीथीन में रख लेती हूँ, नहीं फेंकती हूँ, बहुत काम आती हैं। और इससे ना हमारे पैसे भी बहुत बच जाते हैं, क्योंकि बाजार से हम अगर ऐसी चीज़ें लाएंगे ना, थैलियाँ वगैरह मिलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, और ये तो हमें फ्री में मिल जाती हैं, तो जो सामान आता ना उसी की चीज़ों से हम यूज कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ रहता है मेरा। और थोड़ा थोड़ा सुबह से ये मतलब छत पर टहल रही हूँ मैं, तो ब्लॉग के बारे में भी बताती जा रही हूँ कि क्या दिखा रही हूँ मैं, क्या नहीं दिख। तो आज बनाने वाले हैं बंडे की सब्जी और बस ऐसा कुछ, और सुबह बनाए थे बच्चों के लिए आलू पराठे, तो आलू की सब्जी और पराठे मैंने कुछ नहीं शेयर किया था, क्योंकि वो बनाते रहते हैं, रोज़ दिखाते हैं, क्या दिखाएं बस रोज़ का रोज़। तो आज दिखाने वाली हूँ मैं अपना न्यू लुक,
कि किस लुक में आने वाली हूँ आपके आपके सामने और गुप्ता जी का क्या रिएक्शन था मेरे न्यू लुक पे, तो ऐसा कुछ। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और बस देखते रहिए। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ना अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बिल्कुल ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ एक थॉट और ही सुना देते हैं आपको। सोच को अपनी ले आओ शिखर तक, सोच को अपनी ले आओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं, ना बनाओ अपने सफर को किसी की कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। कैसा रहा फ्रेंड्स, कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। तो बस यही कुछ पॉजिटिव थॉट होते हैं जो सुबह सुबह हम अपने माइंड में लाते हैं ना, तो पूरा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं, हम बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। और सुबह सुबह ये चीज़ें ना सोचो, दिमाग में लाओ ना, तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं। बन गई है हमारी ग्रीन टी, तो ग्रीन टी पी के फटाफट किचन में आते हैं और शुरू हो जाते हैं अपने काम पे। तो सुबह का कुछ ऐसा ही सीन रहता है। मम्मी जल्दी आओ, कैमरा ऑन है। आ रहे बस आ रहे, दो मिनट आए आए। आओ ना, क्या कर रही हो? और ये रहा मेरा नया लुक, बताना आप लोग कैसा है, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। ऐसे चलेंगे घूमने? चलना इसी लुक में। देखो आज हम बच्चों ने क्या बना दिया है हमको, बच्चों ने बच्चा बना दिया हमको। तो फ्रेंड्स ये है मेरा नया लुक, और बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। ये देखिए जींस और ये टी शर्ट पहन ली आज, ये मेरा नया लुक। तो कभी कभी ना हमको इस तरीके से अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए ना, और जिससे कि अलग तरीके की एनर्जी आती है। और ये देखिए हमेशा एक ही गेटअप में रहते रहते ना बोर हो जाते हैं ना, तो कभी कभी अपने आप को चेंज करने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। और हम तो अब घूमने जाने वाले हैं ना, तो ट्राई कर रहे थे कि अगर इस लुक में चले तो कैसा रहेगा, मतलब कपड़े भी कम लेके जाने पड़ेंगे और ज्यादा मतलब वजन भी नहीं ढोना पड़ेगा। तो देखिए बताना आप लोग कैसा है मेरा नया लुक। तो फ्रेंड्स हम अपने आप को चाहे जितना भी चेंज कर लें, बदल लें, लेकिन हमारे जो किचन के काम हैं वो कभी नहीं बदलने वाले हैं और ना ही कभी ख़त्म होने वाले हैं। तो ये देखिए सुबह सब्जी बनाई थी और पराठे सेके थे, थोड़ा सा आटा रखा तो उसकी रोटी बनाएंगे। और ये सब्जी जो सुबह बनाई थी आलू के ऊपर पलट ली है, अब इसमें बनाएंगे बंडे की सब्जी। तो थोड़ा सा तेल डाल दिया सब्जी पलट के, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा जब तक कि बंडे छील के तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये कढ़ाई हमारी मोटी तली की है ना, तो इसको ना गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक ये कढ़ाई गर्म होगी तब तक हम अपने बंडे छील के तैयार कर लेंगे, छील लेंगे, काट लेंगे, क्योंकि भाई छीलना होता है, काटना होता है, ये सारे काम होते हैं। एक टमाटर भी काटना है, एक मिर्च भी काटनी है, तो यही सारे कुछ होते हैं। और इसमें जो सूखे मसाले भी डालते हैं जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया और जीरा पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, नमक डालते हैं, अमचूर पाउडर डालते हैं थोड़ा सा, और यही सारे मसाले डालते हैं। और तड़के में डालते हैं थोड़ी सी अजवाइन, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो ये घुइयां हो गई, अरे क्या नाम, ये बंडे हो गए, तो थोड़ा सा ये बादी की चीज़ें होती है ना, तो इसको जो है अजवाइन डाल के इसीलिए बनाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पच जाए, तो ये मतलब पचाने में भी ये हेल्प करता है अजवाइन, तो इसीलिए भी डालते हैं। हींग भी डाल सकते हैं आप। तो बस मैंने तड़के में अजवाइन डाली थी थोड़ी सी, और एक हरी मिर्च डाली थी, उसके बाद वही सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, टमाटर, और थोड़ी सी मैंने डाली थी कश्मीरी मिर्च, ताकि ना सब्जी में कलर अच्छा आए। तो इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ी सी मसाले वाली सब्जी बनाते हैं। तो ये बंडे की सब्जी तो मैं खा भी लेती हूँ, वरना वैसे मुझे बंडे की सब्जी नहीं पसंद है फ्रेंड्स, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ अरबी तो मुझे अच्छी लगती है, घुइयां तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन बंडे मुझे नहीं पसंद है, लेकिन थोड़े बहुत खा लेती हूँ। अब घर में चीज़ आती तो फेंक तो देंगे नहीं, खानी पड़ेगी भाई, पैसे लगते हैं। हाँ बस ऐसा ही कुछ सीन रहता है मेरा। तो जो मन में आता है वो बोल देते हैं, और जो सच होता है वही बोलते हैं। तो बंडे की सब्जी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ इस तरीके से टमाटर वगैरह डाल के, अमचूर पाउडर, ये मसाले डाल के हल्के हल्के बनाते हैं ना, तो अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत खा लेती हूँ मैं, बाकी वैसे नहीं पसंद। और बस वही मेरा पागलपन शुरू रहता है, ये तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो एक
को मतलब रहता है ना कि छोटा बच्चा हमारे अंदर रहता है ना कहीं कहीं, तो वो कभी कभी जाग जाता है, हमेशा तो सोया रहता है लेकिन कभी कभी जागता है वो, तो ऐसा ही कुछ मेरा सीन रहता है, बीच बीच में दौड़े पड़ते रहते हैं। और बस आ गई फिर से सब्जी देखने के लिए, जब तक सब्जी पक रही थी ना तब तक बाहर थोड़ा बहुत मतलब एक्टिविटी कर ली, मतलब क्या ही बोले, ऐसे हरकतें रहती मेरी। और बस ये सब्जी हो गई देखिए फटाफट। ग्रेवी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ना, मैं बोल रही तो अगर ज़्यादा ग्रेवी बनाते तो खाते नहीं और सब्जी बच जाती, ऐसे कम ग्रेवी की बनी है। और ये देख सब्जी का कलर तो बहुत ही मस्त आया है, जिनको पसंद है उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो मुझे नहीं पसंद लेकिन हाँ खा लेती हूँ। तो बस थोड़ी सी ग्रेवी बनाई थी ताकि जल्दी से सब्जी खत्म हो जाए, बचे नहीं इसलिए फटाफट रोटी सेक ली। बस खाना तो सुबह का वही रहता है, सब्जी रोटी दाल रोटी चावल, तो बस ऐसे ही खाना बनता है। तो वही आज न्यू गेटअप में मैं खाना बना रही ना इसलिए दिखा रही थी, और रोटी वोटी आप देखिए मेरे न्यू लुक में खाना बनाते हुए कैसे लग रहे हैं। और पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मतलब जो भी मन में आए वो कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे मैं बोलती रहती हूँ ना कि जो मेरा मन होता है ना वो मैं करती रहती हूँ, वैसे ही आपका भी मन होगा ना, जो भी आपका मन करे लाइक डिसलाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी मन करे ना तो फटाफट कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। कपड़ा कैसे कैसे लग रहा है गेटअप भैया? बहुत बढ़िया, 15 साल। घूमे चले प्रैक्टिस कर रहे हैं कपड़ा पहन के जाएंगे। ये भाई देखो ऐसे गेटअप में चले वो, अब वहाँ साड़ी पहनी थोड़ा ना चले वो, मतलब साड़ी पहनी थोड़ा ना घूमे चल के, अब ये गेटअप में टाइल वो चल गए। अब बाल वाल कटावे जा रहे, आज बाल कटाए वो छोटे छोटे लड़कन वाले जो तुम्हारे वैसे कराने वो इतने इतने, ठीक है पकड़ो तुम्हें का ले आया देखो का। बहुत अच्छी आई है, अरे वाह फूट ककड़ी आए गई, ये कहाँ मिल गई? कहाँ नदी में। अच्छा यह गेटअप में चाय बना किया। अब देखो आप कैसे लग रहे हैं, थोड़ी गर्दन लेवल में लगे, अच्छे लग रहे नहीं ठीक। अब यह गेटअप कबू कबू ले लो अगर वो ठीक है, यह अवतार में आओ अगर वो को दिन